हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्रिएशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कढ़ी की रेसिपी। ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को गर्म होने देंगे। जब पैन गर्म हो जाए इसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, कढ़ी पत्ता, 1 चुटकी हींग डालेंगे। अब हम इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, इसे डालेंगे। हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप्ड करके डालेंगे। इसे सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम एक जार लेंगे और इसमें हम 1.5 कप दही, 4 टेबल स्पून बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, वाटर ऐड करेंगे। हमें इस घोल को अच्छी तरह से फेंटना है। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप और पानी ऐड कर लेते हैं। हमें इसका पतला घोल तैयार करना है। प्याज भी अब फ्राई हो गया है, इसमें हम इस घोल को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम में बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल हो जाए तब हम इसका फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाए और आपको डाउट लगता है कि ये कच्चा है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। कच्चे बेसन का स्वाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें आप थोड़ा पानी ऐड करके इसे और पकने दें। कढ़ी तो अच्छी तरह पक चुकी है और गाढ़ी भी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और इसे एक बाउल में सर्व करते हैं। इसके बाद हम घी और रेड चिली पाउडर से इसमें तड़का लगा देंगे ताकि कढ़ी में एक अच्छी रंगत आ जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।